हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अपने सबसे पॉपुलर वीडियो एसीवी प्लिक्स के बारे में, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे वो सबके आंसर्स मैं अभी बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यही एक वीडियो है जो इतना ज्यादा व्यूज गया था जिसका, और इसपे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसे तो मैंने रिटन में आंसर दे दिया था, बट मैंने सोचा एक बार वीडियो बना के भी दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ये थे कि रिव्यू कब आ रही है, बहुत टाइम हो गया। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो, इसकी रिव्यू मैंने कब की दे दी है। तो जिन लोगों को भी इसका रिव्यू जानना है कि इसको कंज्यूम करने के बाद क्या रिजल्ट आया, तो वो मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। वीडियो कब की आ चुकी है, बाद बाकी क्वेश्चंस के मैं आंसर देती हूँ, आई मीन जितने भी पॉसिबल हो। हिमांशु शर्मा ने पूछा है कि इसको कंज्यूम करने से स्किन ग्लो करती है क्या। भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अपने अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लगी थी। ट्विंकल ने पूछा है कैन 14 ईयर गर्ल कैन ड्रिंक दिस। इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। मैं तो कोई डॉक्टर वगैरह हूँ नहीं, बस जो भी अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो 14 साल की लड़की को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, और मेरे ख्याल से भी मत ही दो क्योंकि एज कम है। मनप्रीत कौर ने लिखा है कुछ वेट लॉस नहीं होता, बस टेस्ट में अच्छा है। मैंने तो पहले ही बोला था। दीप्ति पूनम ने लिखा है कि इसको ठंडे पानी में डिसॉल्व करना है या गर्म पानी में। तो ठंडे पानी में, आई मीन नॉर्मल वाटर में, ना गर्म ना ठंडा, नॉर्मल। इन्होंने लिखा है कैप्शन इन इंग्लिश वीडियो इन हिंदी। हाँ। दिशा डेका ने लिखा है थायराइड पेशेंट यूज कर सकते हैं क्या। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, मुझे नहीं पता। सक्सेना ने लिखा अनेबल टू फाइंड सेकेंड पार्ट। आप मेरे चैनल पे जाओ, आपको मिल जाएगी वीडियो। क्या मनी वेस्ट है, नो कमेंट्स। लिखा दी क्या इसे पीरियड के टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जियोलो शेख ने लिखा है हाय आंटी हाउ इज नाउ इज गुड टू कंज्यूम, रिजल्ट कैसे है। तो हेलो बेटा, रिजल्ट एक्चुअली कुछ नहीं आया, ये बस टेस्ट में अच्छा है, बाद बाकी आप इसको एक एज अ ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हो, इससे फायदा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ज्योति बिलोची ने लिखा है मैम वीडियो तो बना दिया, रिव्यू तो दे दो, टाइम से वेट लॉस हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअली इससे तो वेट लॉस नहीं हुआ, बट मैंने डाइट करके वेट लॉस किया है, वो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हो। और प्लिक्स की सेकंड पार्ट की वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। आरोही आरती ने लिखा है कितने के प्राइस का है और कहाँ से ऑर्डर किया। मैंने इंस्टा से ऑर्डर किया था प्लिक्स के साइट पर जाके, और ये 999 का पड़ा था मुझे। राजपाल सिंह ने लिखा है फास्ट फूड कम खाया करो, वेट अपने आप कम हो जाएगा। करेक्ट। किरण केम पावडे ने लिखा है कि मॉर्निंग में कंज्यूम करना है या नाइट में। मैं तो मॉर्निंग में करती थी। जागृति सिंह ने लिखा है मैम प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं, मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। नीरजा वर्मा ने लिखा है 3 मंथ्स का बेबी है और ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हूँ, कंज्यूम कर सकती हूँ कि नहीं। तो वही आप अपने डॉक्टर से सब कंसल्ट कर लो, मुझे वेट लॉस हुआ आपका नहीं। किसी ने पूछा है कोई साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नहीं हो नहीं बोलनी चाहिए, थोड़ा सा भी साइड इफेक्ट ही है इसका। अनीता सिंधे ने लिखा है आपने इतना बड़ा वीडियो बनाया पर सच तो बताया नहीं, क्या आप भी फुकट का वीडियो बनाया है। नहीं, मैंने फुकट का वीडियो नहीं बनाया है, मैंने इसका सेकेंड पार्ट अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख लेना। आरजू सैयद ने पूछा है सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है क्या। हाँ सिंपल लाइफ कैन बी, किसी ने बोला है मुझे दलाल, पर दलाल खुद के पैसे से खरीद के मैंने वीडियो बनाई है, दलाल। और बाकी सारे लोगों ने बोला है रिव्यू, तो मैं अभी भी दिखा देना चाहती हूँ, ये है फर्स्ट पार्ट और ये रही सेकंड पार्ट। तो मैंने दोनों वीडियो ही डाल दी है, आप लोग जाके देख लो, और मैंने इसकी वीडियो बना के अभी भी डाल दी, जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किया था सबका आंसर मैंने दे दिया है। और भी आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, मैं सारे आंसर्स आपको बता दूंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियो आते रहेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो।